बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज नईमास डैन में हम बनाएंगे लगन के कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस। ये बीफ है, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है। और इसके लिए जो चाहिए मुझे, तकरीबन ये 3 पाव के बन जाएंगे, 20 से 22 कबाब बन जाएंगे। और ये 1.5 पाव टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है। इसके अंदर जो जाएगी चीज़ें वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा। अंडा अगर आप ना डालना चाहिए, ऑप्शनल है, तो आप खशखाश भी पीस के डाल सकती हैं। तो आज मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, ये इतना सारा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे और कुछ इसके अंदर भी जाएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ गर्म मसाला, ये ज़ीरा और जो साबुत धनिया है मैंने रोस्ट करके इसको कूट के रख लिया, ये तकरीबन 2 चम्मच है, ये इसके अंदर जाएगा। ये कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और ये हल्दी पाउडर, और ये नमक। अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक दफ़ा कीमा मैंने निकाल लिया है, अब इसको हम दोबारा निकालेंगे। ये देखें, ये कीमा डाल के अब इसके दरमियान में मैंने क्या डालना है, ये प्याज जो काट के रखी हुई है, प्याज डाल दूंगी साथ में, इकट्ठा करके बस इसको निकाल लूंगी। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर से ही निकाल लेनी है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे स्पाइस मिला के फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगी कि ये दोबारा, जब एक दफ़ा कीमा निकल चुका है, अब दोबारा फिर सारा कीमा मैंने इसके अंदर से निकालना है। आपने 2 दफ़ा इसको ज़रूर निकालना है ताकि आप लोगों के कबाब जो है वो अच्छे बने। उससे क्या होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं अगर आप लोग 2 दफ़ा ये कीमा निकालोगे इसके अंदर से। ये जो भुना हुआ और कूटा हुआ जो था धनिया और ज़ीरा, ये तकरीबन जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच भर के, ये सारा ही मैं डाल दूँगी। इसका फ्लेवर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून है, ठीक है, ये 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून जाएगा, ये पिसा हुआ धनिया लेवल 1 टीस्पून, ये हल्दी 1/2 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला भी आप तकरीबन डालेंगे अभी, ये थोड़ा सा है जितना मैंने आप लोगों को दिखाया, ये 1/2 टीस्पून के करीब है क्योंकि बाद में भी हमने ये डालना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 से ज़्यादा हम अभी डालेंगे, फिर जब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो ये तकरीबन 1 टीस्पून पीछे ये हम उसमें यूज़ करेंगे। और ये धनिया, सब्ज़ धनिया इसके अंदर जाएगा इतना सा, और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। चलिए अब इसके मैं कबाब अंडा तोड़ के, सॉरी, इसके अंदर डालना है 1 अंडा। अंडा आप डालना चाहें, अंडा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डालना चाहें इसकी जगह तो आप ये देखें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, उससे भी ये कबाब जुड़ जाएंगे, ये ऑप्शनल है। खशखाश डालना चाहें तो आप खशखाश भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज अंडा डाल रही हूँ इसके अंदर। ये अब इसको हम तोड़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। आप इसको ऐसे भी 1/2 घंटे के लिए रख सकते हैं, या आप इसके अभी अर्जेंट कबाब बना के भी आप 1/2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करनी है जो वो मैं आप लोगों के सामने करूंगी। तो फिर कबाब जो है वो बना के, लगन के कबाब जो है आज बन रहे हैं नईमास डैन में। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ और बहुत अच्छी बनती है ये। ये देखें, ये मैंने तकरीबन ये 3 पाव कीमा था मेरा, आपने इस तरीके से कबाब बनाने हैं, देख रहे हैं। ये माशाल्लाह इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा कबाब तैयार हो गए हैं, 26 ये कबाब हैं। आप इसको अब इसको रख देंगे हम तकरीबन 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में, और दूसरी तरफ हम ग्रेवी तैयार करते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ऑयल के अंदर देखें, मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था 1 चम्मच वो डाल दिया है। अब ये रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ये क्रश की हुई चिली ये थोड़ी सी, काली मिर्चों का पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून, बिल्कुल इसमें लाइट मसाले रखने हैं आप लोगों ने। ये क्या है, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया भी 1/2 टीस्पून, नमक ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आप लोगों के सामने कबाब में जो नमक डालना भूल गई थी, बाद में मैंने कबाब में नमक डाल लिया था, ठीक है। अब इसकी हम ग्रेवी, इसको सॉरी थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे। ये देखें बस, अब इतना सही काफ़ी, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। इसके अंदर अब जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, तकरीबन ये 1.5 पाव टमाटर का पेस्ट है, ठीक है, ये डाल देंगे। बस
अब क्या करना है, इसका ये जब मसाला तैयार हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगेगा, तो इसके अंदर फिर हम जो कबाब रखे हैं, पहले से मेरे तकरीबन आधा घंटा हो गया कबाब रखे हुए जो फ्रिज में, वो हम इसके अंदर डालेंगे। जब डालूंगी तो फिर मैं आप लोगों को। ये देखें ये भुनना शुरू हो गए, ये इधर से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का टाइम हो रहा है, फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें 2 मिनट गुजर गए हैं, फिर माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है लगन के कबाब की, और ये इसका मसाला और ये हांडी तैयार हो गई है। देखें सब बताते हैं कि लगन के कबाब, ये डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई होगी कि लगन के कबाब इसको क्यों कहते हैं। एक्चुअली जो ये बर्तन होता है इसको लगन बोलते हैं, जब इसके अंदर हम कबाब पकाते हैं तो फिर ये बात होती है कि लगन के कबाब, ठीक है, इसलिए इसको लगन के कबाब। ये जो बर्तन होता है हमारा, जो ये पैन है, पैंदा है, जो भी है, जो पहले इसको बोलते थे, इसको लगन बोलते हैं। चलें अब इस, ये बिल्कुल रेडी हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए सारी ग्रेवी आप लोगों ने डाल देनी है इसके अंदर इस तरह। ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही लजीज, बहुत मज़े के, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये जूलियन कट में कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये गरम मसाला जो है ये मैंने ख़ुद तैयार किया है, ये बहुत ही अच्छा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये इंशाल्लाह किसी रेसिपी में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैं किस तरीके से या किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी डालती हूँ ये गरम मसाला बनाने के लिए। इंशाल्लाह इसकी मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाऊँगी।